2010 में फिल्म वीर के जरिए सलमान खान के साथ ड्रीम डेब्यू करने के बावजूद जरीन खान को बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिला जिसके उन्हें उम्मीद थी। जरीन को कैटरीना कैफ से मिलती जुलती शक्ल की वजह से चर्चा मिली जो कि उनके लिए मुसीबत बन गई। एक इंटरव्यू में जरीन ने अपने फ्लॉप फिल्मी करियर पर बात की है। जरीन ने कहा, जी हाँ, शुरुआत में ही पता नहीं कहाँ से ये लुक अलाइक वाली बात शुरू हो गई। यहाँ तक कि कुछ इंटरव्यू में खींची गई तस्वीरों को भी ये कहकर प्रचारित किया गया कि मैं कैटरीना की तरह दिखती हूँ, इससे मेरा करियर बर्बाद हुआ। उस समय सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था जितना कि आज है, और तब हम मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर्स पर डिपेंड हुआ करते थे। ऐसे में मुझे लगता है कि पब्लिक को मुझे देखने का चांस नहीं मिला और उनके मेरे प्रति कुछ परसेप्शन बन गए। मैं उनके लिए मात्र गॉसिप बनकर रह गई। जरीन ने आगे इसी इंटरव्यू में कहा, मेरा वजन भी मेरे लिए परेशानियां खड़ा करता रहा। 100 किलो वजन होने के बाद मैंने 50 किलो तक वजन कम कर लिया, लेकिन तब भी मोटापे की वजह से मेरी खूब आलोचना हुई। लोगों ने मुझे फैटरीना कहा। जब मैं किसी इवेंट में गई तो भी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया, सिर्फ मेरे वजन पर ही चर्चा होती रहती थी। पिछले साल सोशल मीडिया पर जरीन ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को देखकर ट्रोलर्स ने उनका काफी मजाक उड़ाया था, जिसका जरीन ने करारा जवाब दिया था और लिखा था, जिन लोगों को जानने की उत्सुकता थी कि आखिर मेरे पेट को हुआ क्या है, ये उनके लिए है। ये एक ऐसे व्यक्ति का स्वाभाविक पेट है जिसने 50 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया हो। ये ऐसा ही दिखता है, जबकि इसे न तो फोटोशॉप किया जा सकता है और न ही किसी तरह का ऑपरेशन किया गया है। मैं उनमें से हूँ जो सच में यकीन रखती हूँ, इसे ढकने के बजाय गर्व के साथ मैंने अपनी खामियों को गले लगाया है। जरीन ने वीर के अलावा हेड स्टोरी 3, 1921 जैसी फिल्मों में काम किया है। इस खबर के बाद आप क्या कहना है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप बॉलीवुड देखते रहें। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।